आदि पुरुष मूवी का टीजर पूरे गाने बाजे के साथ रिलीज किया गया, लेकिन मूवी का टीजर आते ही लोगों में आलोचना शुरू हो चुकी है और सोशल मीडिया पर जी भर के इस फिल्म की आलोचना की जा रही है। जनता कह रही है फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए बताया जा रहा है, लेकिन जनता को VFX उतना खास नहीं लग रहा है। आपको एक मैथोलॉजिकल फिल्म बनानी थी, लेकिन आपने तो एक बच्चों के लिए एनिमेटेड फिल्म बना दी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बायोपिक बनाते वक्त थोड़ी तो मर्यादा रखनी चाहिए थी, लेकिन देखा जाए तो आदि पुरुष मूवी का टीजर ठीक ही लग रहा है। फिल्म में रामायण वाली फील भी है और टीजर के वॉइस ओवर में प्रभास की भारी भरकम आवाज में एक पॉजिटिव नैरेशन चल रहा है, जहां असत्य पर सत्य की विजय का नैरेशन चल रहा है। लेकिन तभी रावण का रोल करने वाले सैफ अली खान और उनकी मॉन्स्टर सेना नजर आती है। उसी समय फिल्म का बना बनाया पूरा भोकाल फुस पड़ जाता है, क्योंकि बंदरों जैसे जो दिखाए जाने वाले जानवर हैं वो हैरी पॉटर से उठाए हैं ऐसा लग रहा है। मतलब ये कहें कि बिल्कुल सस्ते क्वालिटी के। टीजर आने के बाद सोशल मीडिया पर इस फिल्म को काफी कड़े रिएक्शंस मिल रहे हैं। आदिपुरुष टीजर की दूसरी सबसे बड़ी खलने वाली चीज है उनकी लोकेशन। जिस दुनिया में ये फिल्म बनी है ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो इंडिया में या श्रीलंका में बनी है, ये किसी फैंटेसी लैंड जैसा फील हो रहा है। इस टीजर में सैफ अली खान रावण के रोल में एक पक्षी पर उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। ये सीन तो गेम ऑफ थ्रोन्स में भी है। हम ये नहीं कह रहे कि आदिपुरुष के मेकर्स ने विदेशी फिल्मों की कॉपी की है, हम बस इतना कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी किया अच्छे से नहीं किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो फिल्म के टीजर का VFX इतना खराब है कि सब कुछ देखने में नकली सही लग रहा है। जाहिर सी बात है उनकी नियत में कोई खोट नहीं है, बस फिल्म को एक प्लानिंग के हिसाब से अच्छा लुक नहीं दिया गया और अच्छे से उसे समझा नहीं गया। ऐसा भी नहीं है कि इस टीजर में हर चीज नेगेटिव है। हम जिस अप्रोच से इस टीजर को देख रहे हैं तो हमें कुछ अच्छी चीजें भी देखने को मिलती हैं। भगवान राम के किरदार में प्रभास जच रहे हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि विलन के रोल में तो सैफ अली खान को कुछ अलग ही चमकने लगते हैं, क्योंकि उन्हें खुलकर एक्टिंग करने का मौका जो मिल जाता है हीरो वाले सभी नैतिक बंधनों से मुक्त रहकर। सीता के किरदार में कृति सैनन दिख रही हैं, जो एक ठीक ठाक लग रही हैं। सोनू के टीटू की स्वीटी और उजड़ा चमन के कलाकार सनी सिंह इस फिल्म में भी आपको दिख जाएंगे। टीजर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो लक्ष्मण का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों टीजर देखने के बाद कुछ भी सटीक तरीके से अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए हम पूरे ट्रेलर और फिर पूरी फिल्म का इंतजार करते हैं। दोस्तों आदिपुरुष को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने, जिन्होंने इससे पहले अजय देवगन के साथ तानाजी बनाई थी, वो भी एक VFX बेस्ड मूवी थी। लेकिन दोस्तों तानाजी फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद किया गया था और इसी के लिए अजय देवगन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी मिला था। आदिपुरुष मूवी 12 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी। इसे हिंदी के अलावा और भी कई भाषाओं में रिलीज किया जाएगा, जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम जैसी भाषाओं में भी इसे रिलीज किया जाएगा। दोस्तों आदिपुरुष मूवी के टीजर का इंतजार लोग बहुत बेसब्री से कर रहे थे, लेकिन इसका टीजर आने के बाद लोगों में वो उत्साह देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।